तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं और क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो इस वीडियो में आपको WhatsApp के सुपर सीक्रेट फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त गुलफाम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्टार्टेक विद गुलफाम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टार्टेक विद गुलफाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि ये ऐप किस तरह से काम करेगा और क्या करेगा और किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही वो एप्लीकेशन है जिसको आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों, इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए हैं और इसकी जो रेटिंग है वो 4.1 की इसकी रेटिंग है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों और बहुत ही गजब का ये काम करता है आपके मोबाइल के अंदर। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम करता है और किस तरह से इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इस ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर इस ऐप पर मैंने पहले से ही एक पासवर्ड लगा के रखा है, तो इस पासवर्ड को मैं इंटर कर देता हूँ और इस ऐप को ओपन करता हूँ। तो अब ये ऐप मेरा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर इस ऐप को आपको कुछ परमिशन देनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको WhatsApp को परमिशन देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको परमिशन दे दिया और नीचे आना है। नीचे आने के बाद फेक WhatsApp पर यहाँ पर क्लिक करना है और इसको भी आपको यहाँ पर परमिशन दे देनी है। तो इसको भी मैंने परमिशन दे दिया और ओके कर दिया। और अब आपको नीचे आकर पासवर्ड पर क्लिक करना है और एक पासवर्ड जो आपको पसंद हो वो यहाँ पर क्रिएट कर दें। तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ जो कि है 7890। तो अब फिर इसको मैं कंफर्म पासवर्ड डाल देता हूँ 7890। और अब आपको पैक करके इसको सेव कर देना है। तो आप यहाँ पर पासवर्ड की जगह पैटर्न भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अगर आपको पासवर्ड पसंद है तो पासवर्ड डाल दें या पैटर्न लॉक डाल दें, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि WhatsApp के अंदर ये कैसे काम करेगा। तो अब मैं बैक जाता हूँ और बैक आने के बाद अब मैं WhatsApp को ओपन करता हूँ। तो जैसे ही WhatsApp को ओपन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो चैट है यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अननोन बता रहा है। अब मैं स्टेटस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये भी कुछ नहीं बता रहा है। और कॉल्स को देखता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। कैमरा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये भी नहीं हो रहा है। सेटिंग को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये भी नहीं हो रहा है। तो ये सब उस एप्लीकेशन की मदद से ही हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप अगर जो अपना WhatsApp यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड में नीचे आपको ये आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर 3 टाइम टैप करना है। तो चलिए मैं इस पर 3 बार टैप करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही टैप किया 3 बार तो यहाँ पर वही इंटरफेस दोबारा से आ गया, जिस तरह से पासवर्ड डालते वक्त मैंने देखा था। तो यहाँ पर आपको वही पासवर्ड डाल देना है जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 7890। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा काम करने लगा है। यहाँ पर मेरे सारे चैट शो करने लगे हैं और जितने भी मेरे ग्रुप के मेंबर हैं यहाँ पर दिखने लगे हैं। और इस तरह से आप उस ऐप की मदद से अपने WhatsApp को लॉक करके रख सकते हैं, कोई भी आपका WhatsApp नहीं चला सकेगा सिवाय आपके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।